कक्षा दसवीं का हिंदी क्षितिज भाग तो गद्य खंड और गद्य खंड में पढ़ रहे हैं पाठ 13 मानवीय करुणा की द्वितीय चमक। आज हम पढ़ेंगे दिव्य करुणा की चमक में मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देखेंगे। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म सन 1927 में बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बस्ती गांव में 1927 में हुआ। और बस्ती से ही हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने तथा क्वींस कॉलेज वाराणसी में अध्ययन करने के बाद एमए की परीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय सुप्रीम की और ऑडिटर जनरल कार्यालय से नौकरी की शुरुआत की। आपने अध्यापक क्लर्क के रूप में काम करने के बाद आकाशवाणी सहायक प्रोफेसर पद पर भी काम किया और साप्ताहिक पत्रिका दिनमान का उप संपादन तथा तराग नामक बाल पत्रिका का संपादन किया और उनका देहावसान सन 1983 में हुआ। सक्सेना जी की रचनाएं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना लेखक के साथ सुविख्यात उच्च कोटि के कवि भी थे और आपकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने बहुत से कहानी संग्रह, उपन्यास, कविता संग्रह, लेख संग्रह, नाटक आदि बहुत सी इनकी रचनाएं हैं। देखते हैं कि कहानी संग्रह में आपने लड़ाई, आपका कहानी संग्रह जो है उसका नाम है लड़ाई, उपन्यास है पागल कुत्तों का मसीहा और सोया हुआ जल, कविता संग्रह काट की घंटियां, कुआहो नदी, जंगल का दर्द, कोठियों पर तंबू, नाटक है बकरी और बाल साहित्य वो वो खाखा, बटूटा का जूता, लाख की नमक और लेख संग्रह है चर्चे और चर्चे। अब हम देखेंगे सक्सेना जी का साहित्यिक परिचय और इनकी भाषा शैली की विशेषता। साहित्यिक परिचय में सक्सेना जी की पहचान एक मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के अनुकूल लेखक के रूप में की जाती है। मध्यम वर्गीय जीवन की महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताश और चिंता का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर स्तंभ का अर्थ है हमारे बच्चों से लेकर प्रबुद्ध सभी वर्ग के लिए रचनाएं लिखी और तत्कालीन समाज में व्याप्त विसंगतियों, अव्यवस्था पर चोट उनकी रचनाओं में स्वाभाविक एवं सहजता के पाठ गांवों की परंपराओं का सुंदर चित्रण है। और सक्सेना जी रोमानीय श्रृंगार सौंदर्य और प्रकृति प्रेम के कवि, उन्होंने समसामयिक विषयों पर भी रचनाएं लिखी। वे परिमल समूह के सदस्य इलाहाबाद में रहे, वही उनका संबंध फादर पामी जुल्के से हुआ। वे फादर के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए, उनका वही प्रभाव मानवीय करना की देवी चमक में व्याप्त हुआ। सक्सेना जी की भाषा शैली चित्रात्मक शैली के लिए विख्यात है। उनकी कविताएं भी किसी एल्बम से कम नहीं, गद्य में भी उनका यही गुण पूरी प्रखरता से व्यक्त हुआ है। वे शब्दों से रूप छवि उकेरने में कुशल हैं। उनके अधिकांश शब्द गतिशील हैं। अब हम इस पाठ का परिचय देखेंगे कि मान पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित एक उच्च कोटि का संस्करण है, जिसमें फादर कामिल बुल्के की चारित्रिक
पंडित है। बेल्जियम में जन्मे फादर उनके ऐसी भूमि से भारत आए जो गिरजाघरों पादरियों धर्मगुरुओं और संतों की पावन भूमि कही जाती है। उन्होंने भारत आने के बाद से मृत्यु तक इसे अपना कर्म क्षेत्र बनाया और फादर सन्यासी थे परंतु परंपरागत नहीं। लेखक और फादर के संबंधों की झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। वे भारतीय संस्कृति में रच बस गए और हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने का सराहनीय प्रयास किया। फादर का स्नेहमय व्यक्ति लेखक को दुख है कि फादर बुल्की की मृत्यु बेंगलिन से हुई। वे जीवन भर लोगों को स्नेह की विधान बांटते रहे फिर भी उन्हें बेंगलिन हुआ। हम किस ईश्वर से पूछें कि बुढ़ापे में उन्हें ऐसा तुम क्यों मिला। वे सदा साधु हो जैसा सफेद लंबा चौड़ा पहने रहते थे। उनकी बाहें और आंखें सदा गले लगने को आतुर लगती थी। लेखक ने 35 सालों तक चले स्नेह को महसूस किया था। उन्हें याद करना करुणा संकेत सा लगता है और देखना करुणा में स्नान करने जैसा लगता है। इसमें अब आगे देखेंगे परिमल के सदस्य के रूप में फादर से बात करने पर मन में कर्म करने का संकल्प जागता था कि जिस लेखक जो इलाहाबाद में था फादर भी परिमल नामक संस्था के सदस्य थे। वे उस पारिवारिक स्नेह में बड़े समान थे। वे गोष्ठियों में विचार विमर्श और हंसी मजाक में खुलकर भाग लेते थे और वे सबके पारिवारिक उत्सवों में और संस्कारों में पुरोहितों की भांति उपस्थित रहते थे। लेखक के पुत्र के मुख में पहली बार अन्न उन्हीं ने डाला। वात्सल्य भाव बहुत ऊंचा था। अब है फादर का पारिवारिक जीवन। फादर प्राय इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चलाते हुए दिख जाते थे। वे हमेशा प्यार और ममता से छलकते रहते। मूलतः वे बेल्जियम के वासी थे। उनके घर में माँ पिता दो भाई और एक बहन थी। वे भारत को ही अपना देश मानने लगे। यूं वे अपनी जन्मभूमि रेम्स चैपल को बहुत सुंदर मानते थे। उन्हें अपनी माँ से यह लगाव था। अक्सर उनकी माँ के पत्र उनके पास आया करते थे और डॉक्टर रघुवंशी को वे माँ की चिट्ठियाँ दिखाते थे। उनके मन में पिता और भाइयों के प्रति विशेष लगाव नहीं था। भारत में बन जाने के बाद दो या तीन बार वे बेल्जियम गए। अब है फादर का पारिवारिक जीवन। तो फादर प्राय इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चलाते हुए दिख जाते थे। वे हमेशा प्यार और ममता से छलकते रहते। मूलतः वे बेल्जियम के वासी थे। घर में माँ पिता दो भाई और एक बहन। भारत को ही अपना देश मानने लगे थे और बहुत अपनी जन्मभूमि को बहुत सुंदर मानते थे। सन्यासी बनने के प्रश्न पर भी इतना ही कहते थे कि वे प्रभु की इच्छा से सन्यासी बने थे। वे इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे कि धर्मगुरु के पास सन्यासी बनने के लिए पहुंचे। उन्होंने उनसे भारत जाने की इच्छा रखी। भारत ये क्यों इस पर वे कुछ नहीं कहते। उन्होंने सन्यासी बनकर भारत भेज दिया। फादर पुलके भारत में फादर पुलके ने पहले 2 साल जिसे संघ में पादरियों के धर्माचारों की पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़े। उसके बाद कोलकाता से बीए और इलाहाबाद से एमए हिंदी में किया। फिर इलाहाबाद के विद्वान डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा के निर्देशन में नाम कथा उत्पत्ति और विकास विषय पर शोध प्रबंध प्रस्तुत किया। उन्होंने ब्लूबर्ड नामक नाटक का रूपांतरण नील पक्षी में भी किया। इसके बाद में ब्लूबर्ड नील पक्षी के रूप में भी उन्होंने उसके नाटक का रूपांतरण किया और इसके बाद वे
यही उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी और हिंदी कोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद किया और 73 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। आपका जीवन अपना घूमता रहा। फादर सन्यासी जरूर थे लेकिन मिश्री बनाकर तोड़ते नहीं थे और सालों साल मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी। वे दिल्ली आने पर लेखक से अवश्य मिलते थे। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत व्यग्र रहते थे। हिंदी की महत्ता को भली भांति समझते थे। इसके लिए वे मंचों पर अकाट्य तर्क देते थे। वे हिंदी वालों को हिंदी की उपेक्षा करते देखकर झुंझाने लगते थे और फादर को इनके हर दुख में साथ खड़े थे। उनके मुख से निकले सांत्वना के शब्द मन में गहरी शांति प्रदान करते थे। लेखक को अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद। फादर की मृत्यु और अंतिम संस्कार में फादर को अंतिम बार देखा गया तो वे काबू में थे। उनके चेहरे पर बिखरी शांति स्थित हो गई थी। 18 अगस्त 1982 को सुबह 10 बजे उनके शव को दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित निकलसन गुरुग्राम में उतारा गया। कुछ पादरी डॉक्टर रघुवंशी का बेटा और उनके परिजन उन्हें धरती की गोद में सुनाने के लिए ले गए। जैनेन्द्र विजयेंद्र स्नातक अजित कुमार निर्मला जी मसीह की समुदाय की वो पादरी डॉक्टर शक्ति प्रकाश डॉक्टर रघुवंशी भी वो उदास सीमित गिरे खड़ी थी। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर हस्कर तोयना ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि फादर उनकी धरती में जा रहे हैं। इस धरती में ऐसे रत्न और पैदा। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी उन्हें नमन किया और देह कब्र में उतार दिए। वहां उपस्थित सब लोग फादर को उनके फल फूल भरे छायादार पेड़ की भांति तो उनका व्यक्तित्व दिव्य कर्मों की चमक से लहराता है। आज भी उनकी याद लेकर पवित्र आत्मा महसूस होती है। फादर बोलते अब हम इसमें देखेंगे आगे कठिन शब्दों के अर्थ। तो जहरदार गैंग्रीन एक तरह का जहरीला और कष्ट साध्य कोड़ा होता है जिसको गैंग्रीन बोलते हैं। दहरी दहलीज निर्लिप्त आसक्ति रहित जो लिप्त ना हो। आवेश मतलब जोश। रूपांतरण किसी वस्तु का बदला हुआ रूप। अकाट जो काटा ना सक जो काटा ना जा सके। अकाट विरल कम मिलने वाली करीब झाड़ी के रूप में उगने वाला एक कटीला और बिना पत्ती का पौधा। बोरिंग वसन साधुओं द्वारा धारण किया जाने वाला गेरुआ वस्त्र। श्रद्धा में प्रेम और भक्ति युक्त पूज्य भाव। रगो नसो अस्तित्व स्वरूप चोंगा लंबा ढीला ढाला आगे से खुला पहनावा। साक्षी मतलब गवाह। गोष्ठियां सफाई वात्सल्य ममता का भाव। देह शरीर या तन अपेक्षा ध्यान न देना अपनत्व अपनाना। सकरी कम चौड़ी पतली संकल्प मतलब किरा। अब हम इसी पाठ में से कुछ अपठित गद्यांश देखेंगे। तो फादर को जहराबाद से नहीं मरना चाहिए था जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उसके लिए इस जहर का विधान क्यों? यह सवाल किस ईश्वर से करें? प्रभु की आस्था ही
जिसका अस्तित्व था वह देह की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दी? एक लंबे पादरी के सफेद चौंकों में ढकी आकृति सामने है, गोरा रंग है, सफेद झाई मारती बूढ़ी गाड़ी, नीली आंखें, बाहें खोले गले लगाने को आतुर, इतनी ममता, इतना अपनत्व एक साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता है। मैं 35 साल से इसका साक्षी हूँ। इस गद्यांश में देखने के प्रश्न कौन कौन से हैं? पहला, फादर की आकृति और स्वरूप का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, फादर कामिल बुलके का व्यक्तित्व सुंदर सौम्य शांति था। उनका रंग गोरा पर सफेद झलक मारती हुई बुरी दाढ़ी थी। आत्मनीय वे ईसाई पादरी थे तथा सफेद चौंगा पहने रखते थे। प्रश्न दूसरा, फादर तथा लेखक के अंतर संबंधों की प्रमुख विशेषता लिखिए। फादर और लेखक के संबंध बहुत मधुर, गहरे और अपनत्व भरे थे। वे जब भी मिलते थे खुशी से गले मिलते थे। फादर को किस अवस्था में चेहरा मारती पीड़ा या रोग हुआ, उनकी दो स्वभावगत विशेषताएं लिखिए। फादर को उम्र के अंतिम पड़ाव पर जहरावाद या गैंगरीन की पीड़ा हुई, वे स्वभाव से ही आस्थावान आदमी थे। पाठ और उसके लेखक का नाम लिखिए। पाठ का नाम है मानवी कर्मा की चमक, लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। फादर की मृत्यु का क्या कारण था? लेखक ऐसी मृत्यु को अनुचित क्यों मानते हैं? तो फादर की मृत्यु का कारण कष्टदायक जहरीला कोहरा था। लेखक फादर की मृत्यु को इसलिए अनुचित मानते हैं कि जीवन भर दूसरों को स्नेह और ममता का अमृत बांटते रहे। ऐसे व्यक्ति को कष्टदायी मृत्यु का विधान नहीं होना चाहिए। फादर के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। फादर ईश्वर के प्रति आस्था रखते थे। उनका व्यक्तित्व धर्मशाली और स्नेहहीन था। दूसरों से मिठास से मिला करते थे। फादर ईसाई जैसा धर्म सफेद चौंगा बूंदाड़ी नीली आंखें और गले लगाने को आतुर माने। आशीष स्पष्ट कीजिए, वह देरी की यात्रा की परीक्षा उम्र की आखिरी देखने पर क्यों? इसका आशय है कि लेखक ईश्वर से पूछना चाहते हैं कि फादर जीवन भर तो दूसरों को प्यार बांटते रहे, फिर जीवन के इस अंतिम पड़ाव, इस उम्र पर ऐसी कष्टप्रद और असाधिक कैसी परीक्षा लेना चाहते हैं? लेखक ईश्वर से कौन सा सवाल पूछते हैं? लेखक ईश्वर से सवाल पूछना चाहते हैं कि फादर कामिल बुलके जैसे नेक और आस्थावान मनुष्य को जहरवाद या गैंगरीन जैसा भयंकर कष्ट क्यों दिया? बाहों के दबाव से लेखक क्या क्या आशा है? तो बाहों के दबाव से लेखक का आशा है कि फादर कामिल बुलके बड़े स्नेह के साथ रेखा को गले लगाने से और उनको गले लगाने के बाद हल्की से दबाना है। अब हम इसी में आगे देखेंगे। एक और गद्यांश, इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है, वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं और बोलते, देखिए देखिए मैंने उसे पढ़ लिया। और मैं कहना चाहता हूँ कि उनको क्रोध भी कभी नहीं देखा, आवेश में देखा और ममता तथा प्यार से लबालब छलकता हुआ महसूस किया। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुँच कर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जाग गई होगी, जबकि घर भरा पूरा था, दो भाई एक बहन, माता पिता सभी। अब इसके प्रश्न है कि फादर लेखक से क्या पढ़ने की बात कहते और क्यों? तो उत्तर है, फादर लेखक से उनकी बेटी की रचनाएं पढ़ने की बात कहते थे, क्योंकि उन रचनाओं के बारे में लेखक उनसे गाय माना करते थे। फादर रचने के संबंधित टिप्पणी से लेखक को अवगत कराते थे। फादर के व्यक्तित्व की दो विशेषताएं लिखिए। व्यक्तित्व की विशेषता है, फादर दशमुख स्वभाव के थे, क्रोध नहीं करते थे और फादर के मन में सभी के लिए प्यार और ममता थी।
सन्यासी बनने से पूर्व फार्मर क्या किया करते थे? सन्यासी बनने से पूर्व फार्मर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे। अब है कि मैं नहीं जानता कि सन्यासी ने कभी सोचा था यह नहीं कि उसके मृत्यु पर कोई रोएगा भी, लेकिन उन क्षणों में रोने वालों की कमी नहीं थी, न आंखों को गिनना स्याही फैला। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय कर्मों की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रही। मैं उस पवित्र ज्योति की आग में श्रद्धालु हूँ। इसके जो प्रश्न है कि फादर को कैसे वृक्ष के समान कहा गया है और क्यों, तो फादर को सर्वाधिक छायादार, फल फूल और गंध से युक्त वृक्ष के समान कहा गया क्योंकि वे ऐसे ही वृक्ष के समान सर्वविधि हितकारी थे। वे स्नेह, कर्म, वात्सल्य जैसे गुणों से और दूसरों का दुख कर लेखक ने फादर को विराट को यज्ञ की पवित्र अग्नि क्यों कहा। लेखक के मन में फादर की स्मृति यज्ञ की पवित्र आदि की आँच इस तरह होगी। इसका कारण यह है कि जिस यज्ञ की आँच पवित्र एवं कल्याणकारी होती है, उसी प्रकार के लोगों के कल्याण की पवित्र भावना एवं करना से होती है। नव आंखों को गिनना चाहिए फैलाना आशय स्पष्ट कीजिए। तो आशा है कि फादर के मृत्यु पर होने वाले उनके परिचित मित्र और साहित्यकारों की संख्या इतनी अधिक थी कि उनका गणना करके लिखना अत्यंत कठिन था। उनके अंतिम क्षण में बहुत सारे